Welcome to the My Channel versus Learning Institute, and today I am going to discuss the complex analysis. So today I will discuss about the representation of complex number. In the previous video I have already discussed the introduction and modulus and some basic property. So start with in xy plane. So the first representation in xy plane, तो एक्स वाई प्लेन में हम दिखा सकते हैं इस तरह से एक्स एंड वाई वाई इफ दिस इज एक्स वाई वाई जो ये पॉइंट है वो शो करेगा जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई. तो ये है कार्टेशियन फॉर्म में या एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस एक्स आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे जो एक्स वाई है वो एक कोऑर्डिनेट की तरह है जिसको हम और वो रियल है ये सारे एक कोऑर्डिनेट जैसे जैसे एक्स वाई प्लेन में हम कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस. एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई को इमेजिनरी एक्सिस. इमेजिनरी एक्सिस तो इस तरह से हम इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं. तो अगर हमें किसी भी जैसे अगर जेड प्लस जेड जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है टू प्लस थ्री आई तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं. अगर ये पॉइंट हमारा दो और तीन हो ये थ्री एंड टू सो ये रिप्रेजेंट करेगा z इक्वल टू प्लस थ्री आई को. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू प्लस थ्री आई इस तरीके से. यहाँ पे x और y रियल नंबर की तरह है और ये हमारा उसी तरह रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस. इसका मॉडुलस हम निकाल सकते हैं जेड इक्वल टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर दिस इज इक्वल फोर प्लस नाइन थर्टीन. उसी तरीके से इसका मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये है मॉडुलस ऑफ जेड. उसी तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं पोलर फॉर्म में. इन पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म में suppose this is P which is at angle theta and at distance small r so its coordinate is r theta so this is known as a polar coordinate polar coordinate. So isko hum change kar sakte hain aise पुट करके x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा. अगर हमारे पास कार्टेशियन में कोई एक नंबर हो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल x प्लस आई वाई तो उसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं x के जगह पे r कॉस थीटा पुट करके और y के जगह पर r साइन थीटा पुट करके दिस. तो z इक्वल r कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड दिस टर्म इज इक्वल टू ई टू द पावर
I theta. So this is the complex number in polar form. कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर हमें निकालना होगा तो हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, z के ऊपर बार r n इन टू द पावर माइनस आई थीटा. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. अब इसका भी हम मॉड्यूलस निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये है, या यहाँ से. तो आर इक्वल टू अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें और ऐड करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हियर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. सो दिस थीटा इज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. एंड इट हैज द वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई. सो दिस वैल्यू इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई. सो दिस इज 2 पाई, 0 to 2 pi or sometimes minus pi to pi. So always this theta is varies as 2 pi. So this is all about for polar form. Now we discuss some basic properties of complex number.